हाय, वेलकम टू फॉर्डिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो पंप्स पे है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पंप्स की टाइप और उसकी एनिमेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंप्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक टाइप है सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेकंड है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसे पीडी पंप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, उसकी आगे से मजीद दो टाइप्स हैं, जो कि रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप की कोई टाइप नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शाफ्ट का होता है, जिसकी वजह से इसका हेड हाई होता है, रेडियल होता है और मीडियम होता है। पीडी पंप्स की दो टाइप्स रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी टाइप हैं, जिसको आगे मजीद तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन टाइप, प्लंजर टाइप और डायफ्राम टाइप के पंप होते हैं। उसी तरह रोटरी टाइप में स्क्रू टाइप, वेन टाइप और लूप टाइप के पंप होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पंप किसी भी फ्लूड को चैनल या कंड्यूट के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद इसकी या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसे फ्लो रेट इंक्रीज करने को कहते हैं, या फिर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, पंप डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप के, वर्टिकल टाइप के, या फिर लीक प्रूफ और मल्टी स्टेज पंप हो सकते हैं। दोस्तों, जो वर्टिकल पंप होते हैं वो यूजुअली मल्टी स्टेज पंप ही होते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ही टाइप हैं। दोस्तों, पंप को चूज़ करने से पहले आपको इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हैं, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल टाइप के होते हैं, और जो वर्टिकल पंप है ये इनलाइन या फिर ऑनलाइन पंप भी कहते हैं इसको। दोस्तों, दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का होता है। लेकिन जो मोस्टली क्राइटेरिया है वो रिक्वायर्ड हेड फ्लूड की कैरेक्टरिस्टिक और रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपने इसमें फ्लूड कौन सा पास करना है और आप इसको कितने हाई फ्लो रेट या फिर हाई प्रेशर के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। दोस्तों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो डिफरेंस है वो शाफ्ट की पोजीशन का है। लाइक हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप में, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इंपेलर है, इंपेलर के साथ जो शाफ्ट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अटैच है, जिससे इंपेलर जो है रोटेट करता है, सक्शन साइड पे फ्लूड को लाता है और डिस्चार्ज साइड पे फेंक देता है। लेकिन जो वर्टिकल या फिर इन लाइन या ऑन लाइन जो पंप है, उसमें जो शाफ्ट है वो वर्टिकल साइड पे होती है। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो ग्रंट फोर्स के यूज़ किए जाते हैं, जिसमें ग्रंट फोर्स का मॉडल CRN ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों, पंप सेंट्रीफ्यूगल हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल पंप, जो पंप का प्रिंसिपल है वो दोनों का सेम है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके जो पार्ट्स हैं उसमें सक्शन पाइप, इंपेलर, केसिंग, शाफ्ट स्लीव, ड्राइविंग शाफ्ट और डिस्चार्ज पाइप शामिल हैं। दोस्तों, इंपेलर जो है शाफ्ट के साथ अटैच होता है। जब भी फ्लूड सक्शन साइड पे आता है तो इंपेलर इसको हाई रोटेशनल वेलोसिटी के साथ कन्वर्ट करता है, रोटेट करता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होकर डिस्चार्ज पाइप से फ्लूड को निकाल देती है। दोस्तों, पंप की जो केसिंग है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। लाइक में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सक्शन है और वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे डिस्चार्ज पाइप है। दोस्तों, इस पोजीशन पर जो भी यहाँ पर केसिंग होगी वो वॉल्यूट टाइप केसिंग होती है। दोस्तों, नेक्स्ट में पंप की एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, सक्शन साइड से आता हुआ जो फ्लूड है, शाफ्ट के साथ अटैच हुआ जो इंपेलर है वो इसको सक्शन साइड से आते हुए फ्लूड को अपने अंदर अटैच कर रहा है, अपनी तरफ अटैच कर रहा है, और आई ऑफ इंपेलर पे लाकर हाई रोटेटिंग वेलोसिटी के साथ इसको मूव करवा के हाई प्रेशर एनर्जी पैदा कर रहा है और डिस्चार्ज साइड पे फेंक रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं पीडी पंप्स की तरफ। पीडी पंप्स की जो टाइप है रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, लाइक कि आपने जो फ्लूड यूज़ करना है वो अगर डिफरेंट मटेरियल का होगा, एसिडिक या फिर अल्कलाइन मटेरियल होगा, तो उसके हिसाब से जो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है उसका मटेरियल भी चेंज होता है। अगर आप इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग केमिकल को यूज़ नहीं करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है। लाइक कि एसिड के लिए आप इसको जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो PVDF का होगा, पॉलीविनाइल डाई फ्लोरीन का, या फिर टेफ्लॉन मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसके मटेरियल के साथ कंपैटिबल हो। दोस्तों, इसका जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर जो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जैसे ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, लाइक कि ये बैकवर्ड को मूव करेगा, तो एक ज़्यादा अमाउंट में वॉल्यूम को अपने अंदर इंट्रैप कर लेगा।
और जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो उस इंट्रैप किए हुए वॉल्यूम को ये डिस्चार्ज आउटलेट वाल्व से बाहर निकाल देगा। एनिमेशन से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इनलेट जो वॉल्यूम है, इनलेट जो फ्लूट है उसको डिफरेंट कलर में शो किया है और जो डिस्चार्ज जो फ्लूट है उसको डिफरेंट कलर में शो किया है, जो कि इनलेट और आउटलेट वाल्व के ओपनिंग पे आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप्स की जो टाइप्स हैं पिस्टन पंप उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का यहाँ पर मैंने एक फिगर दिखाई है जो कि इंडस्ट्रियली यूज़ होती है। यहाँ पर इसकी सक्शन साइट है, यहाँ पर इसकी डिस्चार्ज साइट है। दोस्तों जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे तो आपने एक चीज़ को क्लियर करना है कि सक्शन साइट पर जो ट्यूब होगी और जो डिस्चार्ज साइट पर ट्यूब होगी उनका डाया आपने सेम रखना है, उनकी जो थिकनेस होगी वो आपको सेम रखनी है। लाइक कि आपको यहाँ पर जो भी मटेरियल आप यूज़ करना चाह रहे हैं फ्लूट का, लाइक कि आप एसिड को टॉस करवाना चाह रहे हैं, तो आपने जो इस मटेरियल है यहाँ पर जो इसका मटेरियल है वो भी आपने एसिड के कंपेटेबल रखना है। एसिड के लिए PVDF का ज़्यादातर यूज़ होता है और अदर मटेरियल्स के लिए यहाँ पर PVC का मटेरियल यूज़ होता है। PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। दोस्तों जब आपको यहाँ से फ्लूट इनलेट लेगा तो यहाँ पर एक बाल टाइप का NRV अटैच होता है, जो कि वो भी आपको कंपेटेबल लेना है फ्लूट के अकॉर्डिंग, वो भी आप PVDF का लेंगे या फिर सिरेमिक बॉल ले सकते हैं। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे सक्शन होगी और तो यहाँ पर जो मौजूद NRV बॉल होगा या फिर जिसे लिफ्ट चेक वाल्व कहते हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। फ्लूट को यहाँ पर अंदर एक रोटेटिंग पिस्टन होगा, वो इसको घुमाकर डिस्चार्ज साइड पर फेंक देगा। दोस्तों इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये लोअर स्पीड पर चलता है और विस्कस जो फ्लूट होता है उसको उसके लिए ज़्यादा कंपेटेबल है। दोस्तों ये हाई प्रेशर और लार्ज कैपेसिटीज पे ज़्यादा कंपेटेबल रहता है क्योंकि ये सेल्फ प्राइमिंग होता है। दोस्तों इसकी मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों एनिमेशन से आपको आइडिया होगा। दोस्तों एनिमेशन में जो मैंने इसमें फिगर यूज़ की है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग का जो प्रिंसिपल है। इसमें पिस्टन जो है मूव करता है पिछले डायरेक्शन पे, बैकवर्ड मूव करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को अपने अंदर इंट्रैप कर लेगा। यहाँ पर इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा तो, और जैसे ही वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा पिस्टन, तो आपका जो लार्ज अमाउंट में वॉल्यूम इंट्रैप हुआ था वो डिस्चार्ज साइड से यहाँ पर निकल जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों प्लंजर पंप है। प्लंजर पंप का जो प्रिंसिपल है वो सेम है जिस तरह से पिस्टन पंप का होता है। दोस्तों प्लंजर पंप जो है वो बिल्कुल सेम तरह से काम करता है, लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगा। लाइक इसमें एब्रेसिव मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें कैपेसिटी का भी डिफरेंस होता है। अगर आपके पास जो फ्लूड है जो आपको बहुत ही हाई कैपेसिटी में उसको पास करवाना है, लाइक के प्रेशर है उसका 10 bar और 2 cubic meter फ्लो आपको चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही इसके करेक्टरिस्टिक्स कर्व को देखकर इसका जो फ्लो रेट होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये बेसिकली हाई प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से करेक्टरिस्टिक्स कर्व होती हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा और PD पंप की करेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट में दोस्तों डायफ्राम पंप है। डायफ्राम पंप दोस्तों इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक, रबर और मेटल मटेरियल का हो सकता है। इसका ज़्यादातर यूज़ क्रोसिफ लिक्विड के लिए होता है, जहाँ पर आपको बहुत ही क्रोसिफ या डर्टी लिक्विड यूज़ करना पड़ जाता है, तो आप वहाँ पर डायफ्राम पंप को चूज़ करते हैं। इसमें जो कैपेसिटी है वो स्पेसिफिक होती है, लाइक 100 gallon per minute के हिसाब से। अगर आपको स्मॉल अमाउंट में लिक्विड को फ्लूट को मूव करवाना है या फिर फ्लो करवाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो एफिशिएंसी है वो पंप की कैपेसिटी के हिसाब से होती है। लाइक कि अगर वो स्मॉल कैपेसिटी का होगा तो उसकी एफिशिएंसी 40-50% होगी, और अगर पंप को हम लोग लार्ज स्केल पर यूज़ करेंगे तो पंप भी लार्ज होगा और इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि 70-80% होती है। नेक्स्ट में इसकी एनिमेशन है, आपको उससे क्लियर होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 4 सिरेमिक बॉल अटैच हैं। डिपेंड करता है सिरेमिक बॉल जो कि NRV टाइप के हैं, लिफ्ट चेक वाल्व के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है मटेरियल्स पे, आप जो मटेरियल यहाँ पे मूव करवाना चाह रहे हैं फ्लूट में, जो डायफ्राम में आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसी मटीरियल के कम्पेटेबल आप यहाँ पर ये सिरेमिक बॉल यूज़ करेंगे। लाइक के यहाँ पर जो आपको बॉल नज़र आ रहे हैं, और दोस्तों उसके बाद जो डायफ्राम बॉडी है जैसे ही ये अपने अंदर अपने आप को थोड़ा सा कॉन्टैक्ट करती है तो यहाँ पर फ्लूट अटैच हो जाता है, फ्लूट आ जाता है, फ्लूट स्पेस में फिल हो जाता है। और उसके बाद फ्लूट जो डायफ्राम है जैसे ही मूव करेगा ये, तो उसके बाद जो फ्लूट की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है। और इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा
प्रेशर के साथ रिलीज करता है फ्लूड को, जिसकी वजह से फ्लूड पास हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर डर्टी या क्रॉसिव लिक्विड जो है वो ज़्यादा कंपेटेबल रहता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तमाम रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स के बारे में, जो कि कंपैरिजन से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इसको कब यूज़ करना है। लाइक के डायफ्राम जो पम्प है, जब आपको एब्रेसिव मटीरियल यूज़ करना पड़ जाता है प्लांट साइड पे, या फिर विस्कस मटीरियल, आप इसको तब यूज़ करेंगे। पिस्टन पम्प के लिए जो कंपेटिबिलिटी है, अगर आपने हाई फ्लो रेट में फ्लूड को यूज़ करवाना है, फ्लूड को पास करवाना है, और लो प्रेशर में यूज़ करना है, तो आप पिस्टन टाइप पम्प यूज़ करते हैं। और प्लंजर के लिए आप एब्रेसिव मटीरियल, डिस्चार्ज प्रेशर जिसका ज़्यादा होना चाहिए लाइक के 20 bar प्रेशर, और कम फ्लो रेट को आपने पास करवाना है फ्लूड को, तो आप इसको वहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसके अलावा टेम्परेचर कंपेटिबिलिटी भी यहाँ पर प्लंजर पम्प में बेहतर होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कि रोटरी पम्प होगी उसके बारे में बताऊँगा, और करैक्टरिस्टिक्स कप के बारे में बताऊँगा।